नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की खबर की ओर। झांसी में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज झांसी में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने डीजल, गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर झांसी के इलाइट चौराहे से होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल चलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए उन्होंने डीजल, गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने व बेरोजगारी को खत्म करने की मांग की। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। धीरे धीरे आओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। लोग गौरव जैन, किस बात का प्रदर्शन है? जो निरंतर तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जहाँ क्रूड ऑयल की दाम जो कीमत है वो न्यूनतम स्तर पर है, वहीं पर आज जो तेल है उसके स्वागत शतक लगा दिया। 50% जो सहस है वो सेंट्रल सरकार का है। हमारी मांग है, जब इस समय पे जब किसान तड़प रहा है, 200 से ज्यादा किसान जान दे चुके हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, तो महंगाई की मार तेल के माध्यम से जो बढ़ रही है उसको कम करा जाए, इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है उसको हम याद दिलाएंगे और उसको सामने लाएंगे, यही हमारा मकसद है। आदित्यनाथ ने होकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार है वो अंधी हो चुकी है, उसको कुछ और दिख नहीं रहा, चाहे किसान मर रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है, सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए आज सरकार को शर्मिंदा करने के लिए हम यहाँ पे सभी, या यूथ के जो लोग हैं, यूथ कांग्रेस के, अर्धनग्न होकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं।